कैसे हैं आप? इसी मोहित अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं आपको साड़ी सिखाने वाली हूँ, गुड लुकिंग साड़ी जो आप किसी भी अपने फंक्शन में, फैमिली फंक्शन में या किसी के भी फंक्शन में जाओगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगी। बहुत सिंपल सा लुक है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप उस लुक को किस तरह से बनाएंगे बहुत ईजी तरीके से, और 10 मिनट में साड़ी रेडी हो जाती है। आपको पार्लर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, और मैंने थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी कर रखा है। आप चाहो तो जूता या नकली जो एक्सेसरीज आती है वो यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा क्योंकि फंक्शन हैवी हो जाता है तो हमको थोड़ा सा हैवी रेडी होना चाहिए ना। तो हमारे घर का फंक्शन है या हम किसी अपनी फ्रेंड के फंक्शन में जा रहे हैं, वो थोड़ा सा हैवी फंक्शन है, तो आप इस तरह का साड़ी पहनकर जा सकते हो। बहुत ही सुंदर साड़ी लगेगी। कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आज मैंने रेड कलर चूज़ किया है। मैं आज रेड कलर का साड़ी पहनने वाली हूँ, और रेड कलर में भी मैं आपको जो स्टाइल है वो एकदम राजस्थानी स्टाइल है, और उसको यंग गर्ल्स भी पहन सकती हैं। उसको आपकी जीएफ ज़्यादा देखते हैं मेरे वीडियोस आपके जीएफ भी पहन सकती हैं, और एक बिगनर महिला वो भी पहन सकती है, और एक 50 इयर्स के जो ऊपर महिलाएं होती हैं वो भी उस स्टाइल को कैरी कर सकती हैं। सभी के ऊपर बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो बहुत सिंपल सोबर होती है, ठीक है, और उसको बनाने का स्टाइल आप लोगों का ही पुराना स्टाइल है, उसको थोड़ा सा कुछ नया उसमें बदलाव कर दिया है। नेचुरल आप वो साड़ी पहनते हो, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आज मैं आपको गुड लुकिंग साड़ी सिखाने वाली हूँ, बहुत सिंपल है और आपका लुक चेंज कर देती है। तो आपको गुड लुकिंग साड़ी देखनी है फ्रेंड, देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। जितना हो सके प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं काफ़ी सारी साड़ियाँ आपके सामने लेकर आ रही हूँ और आप मेरी साड़ियाँ पसंद कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको जो साड़ी सिखाने वाली हूँ वो लो वेस्ट साड़ी में है, कि आपको उसको लो वेस्ट में ही पहनना है, मतलब नेवल से अपने 4-5 अंगुल नीचे। क्योंकि फ्रेंड पहले क्या होता था, अभी जो जितनी भी आप नई गर्ल्स को देखोगे वो नेवल के ऊपर नहीं पहनती, क्योंकि वो समझती हैं, पहले यूट्यूब नहीं था, आपको पता है यूट्यूब पहले नहीं था, और था काफ़ी लंबे समय से तो महिलाएं देखती नहीं थी। आज कल क्रेज़ हो गया यूट्यूब पर, हर महिला है ना किचन की बादशाह बन गई है, हर महिला है ना ब्यूटी पार्लर में ट्रेंड हो गई है, यूट्यूब से काफ़ी सारे महिलाओं को बेनिफिट हुआ। अभी लॉकडाउन में तो आप सोचिए मत क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, मैं तो गिनाते थक जाऊँगी आपको। तो आज मैं आपको जो साड़ी सिखाने वाली हूँ फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है, आप जरूर इस साड़ी को देखिए, बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हूँ। आप एक कमेंट्स आया था, सॉरी मुझे हैंकी लगाने का, तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं इसी साड़ी में आपको हैंकी लगाना बता दूंगी, और आप चाहो तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगी लो वेस्ट पर हैंकी टकिंग वाला, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ गुड लुकिंग साड़ी, काफ़ी अट्रैक्टिव साड़ी लगती है, और मैंने आपको बोला कि कलर तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने रेड कलर सिंपल साड़ी यूज़ करूँगी पहनने के लिए। ये देखिए मैंने रेड कलर का साड़ी लिया है, और इस पर मैंने घर पर ही लैस लगा लिया ग्रीन कलर का, क्योंकि जो ग्रीन कलर का जो कंट्रास्ट रहता है रेड कलर के साथ बहुत प्यारा लगता है, और इसके साथ अगर आप ग्रीन कलर का ब्लाउज टच करेंगे तो वाओ बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही मुझे बहुत पसंद है। रेड कलर के साथ अगर ग्रीन कलर मिल जाए फ्रेंड तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत चाव से पहनती हूँ। तो आज मैं आपको यही पहनाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ, सॉरी। मैंने ये रेड कलर का सिंपल साड़ी ख़रीदा था फ्रेंड, बहुत ही सस्ती पड़ी मुझे साड़ी, ये 250 करीब की साड़ी है मेरी, उसमें 100 रुपये 150 समथिंग का कुछ लेस है ये, तो इतनी सुंदर साड़ी आपको 350 में रेडी हो गई। मैं आपको बहुत सारी जो आपकी पुरानी साड़ी हो गई है उनको नई करने का तरीका भी बताऊंगी, तो आपको मेरे वीडियो देखने होंगे और शेयर करने होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी सारे ऐसे वीडियो ला रही हूँ जो आपके काफ़ी काम के रहेंगे। आपकी जितनी भी पुरानी साड़ियाँ हैं तो आप उनको नए तरीके से कैसे बनाएंगे उस तरह
तरह का भी वीडियो लेकर आऊंगी फ्रेंड, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो हैं और टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो मैं आज आपको इस गुड लुकिंग साड़ी सिखाने वाली हूँ, सीधा पल्लू गुड लुकिंग साड़ी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेती हूँ मैं, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड। आइए, लो वेस्ट साड़ी पहनने के लिए सबसे पहले तो आपको हील वाला सैंडल पहन लेना है। बिना हील वाले सैंडल पहने हुए आपको साड़ी नहीं पहनना है, क्योंकि अगर आप बाद में फ्रेंड हील वाले सैंडल पहनोगे तो आपकी साड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ ये चीज़, कि आपको हमेशा सैंडल पहनने के बाद ही साड़ी पहननी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नॉट लगानी है। ये नॉट क्यों लगाते हैं, जिससे आपकी साड़ी खिसके नहीं। अब आप साड़ी को अच्छे से रैप कर लीजिए। बड़ी बनानी है। प्लेट बनाना मैं आपको बार बार सिखाती हूँ, या आपको फिंगर और थम्स दोनों लेने हैं। फर्स्ट प्लेट आपको बड़ी बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। मैंने प्लेट्स इसलिए पहले बनाना बताए हैं आपको, क्योंकि आपका जो ये लेस है आप वहाँ तक बना लीजिए। ये आपका लेस कमर पे आना चाहिए। ठीक है, तो आपका जहां तक लेस है वहां तक आप अब आपका ये लेस आना चाहिए। ये आपको इसको यहां से नहीं घुमाना है कमर के ऊपर, आपको इसको यहां से ही रखना है इस तरह से। यहाँ पर एक पिन लगा देना है, जिससे कि आपका जो लैस है पूरा परफेक्ट दिखे। ये लो वेस्ट साड़ी है फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये पल्लू। पल्लू की आपको प्लेट्स बना लेनी है, बहुत बहुत छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है आपको। बिल्कुल आप बड़ी प्लेट्स ना बनाए। देखिए मैंने कितनी छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाई हुई है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। आपको इस साड़ी में एकदम पतली पतली सी प्लेट्स बनानी है, बिल्कुल मोटी प्लेट नहीं लेनी है। पहले जो साड़ी यहाँ चलती थी फ्रेंड, जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, बस वही है। पहले थोड़ी बड़ी और मोटी जो प्लेट्स है वो चौड़ी प्लेट्स बनती थी, और अभी मैंने इसको जो मेरा बारीक सा लेस है फ्रेंड, उसके अकॉर्डिंग मैंने, ठीक है, एक पिन आपको लगा।
ऊपर जब पिन आ जाता है फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जो हमारा पिन होता है काम नहीं करता है, टेढ़ा हो गया पिन, लेकिन इसने काम नहीं किया है। दूसरा पिन यूज़ करती हूँ, ये वाला कर गया, क्योंकि जब हम कुछ ऐसी लैस वगैरह की साड़ी पहनते हैं फ्रेंड तो हमारे पेन है ना काम नहीं करते, टेढ़े भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या करना है, इस तरह से अपना कोई भी कनकती ले लीजिए, चैन ले लीजिए, जो आपके पास हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपको नेवल के सेंटर में, ठीक है, डायमंड वाली लोगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रेंड जो डायमंड वाली जो कनकती रहती है इसकी एक तो मैं बताऊँ फैशन कभी आउट नहीं होता है, और उसके अलावा लगती बहुत सुंदर है, हर किसी साड़ी के साथ आप इसको पहन सकते हैं, ज़्यादा वैरायटी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और नीचे से आप अपना पिन निकाल दीजिए, आप पिन बाद में निकालिए, ठीक है, अगर आप पहले पिन निकाल दोगे तो आपकी साड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए, आप थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह से खिसका लेंगे तो ये बहुत अच्छा सा एक प्रीटी सा लुक बन जाएगा। आपको इसमें पिन नहीं लगाना, क्योंकि आप पिन लगाओगे तो साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। आप इसको खुला रखोगे तो बहुत ही, उसके बाद आप अपनी कनकती को सेट कर लीजिए नेवल के नीचे, आपको बहुत ऊपर नहीं डालना है कनकती, क्योंकि ऊपर कनकती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ये मेरा लुक हो गया रेडी, मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए पीछे से आपको लुक दिखाई दे रहा है, और ये मेरा आगे से, यहाँ प्लेट में आपको बस पिन लगाना है फ्रेंड, आप एक पिन लगा लीजिए, उसके बाद आप अपने किसी भी फंक्शन में, छोटा फंक्शन है या आपके फैमिली में कोई फंक्शन है और आपको कुछ साड़ी पहननी है लो वेस्ट में, कुछ डिफरेंट साड़ी पहननी है आपको, कि मुझे तो डिफरेंट साड़ी पहननी है, तो आप इस तरह का लुक अपना सकते हैं फ्रेंड, काफ़ी अच्छा लगता है। और सीधा पल्लू तो वैसे भी महिलाएं बहुत पसंद करती हैं, तो आप अपनी साड़ी को इस तरह का लुक दे सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। मेरा इसका जो ब्लाउज है फ्रेंड वो बनकर नहीं आया है, तो वो मैंने आपको बस बीन जो मेरा लेस है उससे मैच करवा दिया है, वैसे ये भी अच्छा लग रहा है। तो देखिए इस तरह का लुक, लो वेस्ट साड़ी है फ्रेंड। और मैं बताऊँ सबसे खास बात क्या है इस साड़ी की, गुड लुकिंग मैंने इसको नाम क्यों दिया है, मैंने इसको इसलिए गुड लुकिंग दिया है क्योंकि अभी आपने केवल कमर के इस हिस्से तक लैस को देखा होगा, मैंने इसको आप देखोगे पीछे के आपका जो पूरा पोर्शन है, जिस तरह लहंगे में लैस की पट्टी रहती, मैंने आपको जो लुक है पूरा पूरा लैस का कमर पे ले लिया है, तो इसकी वजह से जो ये साड़ी का लुक है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, बहुत प्यारा दिखता है। मैं साड़ी को कई बार पहन भी चुकी हूँ फ्रेंड, और काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट बटोर चुकी हूँ, अब आपकी बारी है, आप इस तरह की साड़ी पहनिए और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप ये साड़ी पहन कर जाओगे तो फ्रेंड
आपसे नज़र नहीं हटने वाली है। सच बोलती हूँ फ्रेंड, क्योंकि लो वेस्ट साड़ी अगर हम सही तरीके से पहने फ्रेंड तो बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, मुझे अभी एक कमेंट्स आया था, तो आपकी जीएफ को मेरे जैसा फिगर मेरे जैसी साड़ी पहननी है, तो थोड़ा सा मेरे जैसा फिगर बनाने के लिए उनको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ और मुझे करीब 5 ईयर्स हो गए एक्सरसाइज करते हुए। एक दिन में फिगर नहीं बनता है फ्रेंड, तो मुझे उनका कमेंट्स आया था कि मैम आपकी एक्सरसाइज हमको सिखाओ, तो मैं एक दिन ज़रूर आपको अपना एक्सरसाइज वीडियो भी डालूंगी कि मैं कौन सा एक्सरसाइज करती हूँ मॉर्निंग में। तो फिगर बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो हमको करना ही पड़ेगी, थोड़ा सा योगा थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ फ्रेंड, इसलिए थोड़ा सा मेंटेन किए हुए। मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं मैम आपकी इतनी एज होने के बाद आपने इतना मेंटेन कर रखा है, क्या राज है? तो इसका कोई राज नहीं है, बस इतना सा है कि आप रेगुलर अच्छा खान पान रख रखिए। ठीक है, और खान पान के अलावा अपना थोड़ा सा पूरी बॉडी का केयर कीजिए, मतलब रेगुलर थोड़ा फेस पैक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड कि मैं एक्सरसाइज रेगुलर करती हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछा था कि मैम क्या पीरियड टाइम में भी आप एक्सरसाइज करते हो क्या? तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ जैसे कि जंपिंग वगैरह की जो एक्सरसाइज होती है उसको इग्नोर करते हैं। नॉर्मली जो एक्सरसाइज होती है आप यूट्यूब पर देख लीजिए, बहुत सारी एक्सरसाइज है बॉडी के लिए, जैसे टमी का वेट कम करने के लिए, टमी का जो फैट है वो कम करने के लिए, थाइस का फैट कम करने के लिए, हैंड्स का वेट कम करने के लिए, और आपके चिक्स फुलाने के, काफ़ी सारी एक्सरसाइज है। तो आप एक्सरसाइज वीडियो को फॉलो करो, क्योंकि मैं तो अभी एक्सरसाइज वीडियो आपको नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी साड़ी के वीडियोज़ लेकर मैं रेगुलर अभी साड़ी के वीडियोज़ ही लाने वाली हूँ आपको। जहाँ तक मैं सिखा सकती हूँ वहाँ तक आपको साड़ी के वीडियोज़ लाने वाली हूँ। तो आज का ये मेरा लुक आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए, क्योंकि मुझे तो बहुत बहुत पसंद आता है ये लुक। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से भी पूछ लूँ कि मेरा ये लुक आप लोगों को कैसा लगा। मेरा पूरा साड़ी शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा है, देखिए मैं पीछे से भी आपको बता देती हूँ। देखिए साड़ी का लुक तो मुझे बहुत पसंद है, आप कोई भी स्टाइल बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप क्या बना रहे हो। हाँ चलिए, अब देखिए ना मेरी पूरी साड़ी का लुक आपको। तो इस तरह का लुक बनाइए और छा जाइए फ्रेंड पार्टी में, अपनी फैमिली फंक्शन में, बस आप ही आप दिखाई दोगे। और आप एक बार सीमा जी को ज़रूर याद करोगे, क्योंकि आपने आपको ये सीमा जी ने ही पहनना सिखाई है, तो आप एक बार ज़रूर याद करोगे। बस थोड़ी सी छोटी सी विनती है आपसे, जब सीमा जी को याद करो तो शेयर ज़रूर कर दो मेरे चैनल को, बता दो अपनी फैमिली को कि आप ये चैनल देखो, आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलेंगी। बस आप लोगों से इतना ही बोलना है, और वैसे आप लोग मेरे वीडियो बहुत पसंद करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। ओके, बाय, गुड नाइट।